अगर बच्चे को कोल्ड है तो उसे नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए? दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई एम एनकाउंटरिंग दीज डेज. सो द आंसर टू दिस इज येस, वी शुड गिव अ बाथ डेली एटलीस्ट वंस अ डे टू अ बेबी इवन इफ ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड और कफ. रीजन बींग के वार्म वाटर से नहलाने से जो बाथरूम में स्टीम इकट्ठा हो जाता है, दैट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ गिविंग स्टीम टू अ बेबी. बिकॉज छोटे बच्चों में, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स तक के बच्चों में, हमें डायरेक्ट स्टीम नहीं देना चाहिए बिकॉज दैट इज अ वेरी रिस्की प्रोसीजर फॉर अ चाइल्ड. उनमें बर्न्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है. सो इनडायरेक्ट स्टीम इज वे वे बेटर देन अ डायरेक्ट स्टीम इन अ चाइल्ड, एंड दैट इज अ वेरी हेल्पफुल इन क्लियरिंग आउट द अपर एयर वे. बच्चे का नोज क्लियर आउट होता है. आप बच्चे की पूरी बॉडी को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कुछ इसे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसका जो एक्टिविटी, जो फ्रेशनेस वो फील करता है नहलाने के बाद, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन द जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड. सो यस, बच्चे को दिन में एक बार कोल्ड होने पर भी जरूर नहलाएं. दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड आप करके देखिए, यू विल फील द डिफरेंस. बाय बाय.